तो दिल्ली के बीजेपी दफ्तरों में जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की सियासत का डिस्कशन चल रहा है, जहां यह तय किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसको टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, तो योगी कैबिनेट से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री योगी कैबिनेट में इन्होंने आज इस्तीफा दिया है। साथ ही साथ रोशन लाल वर्मा, इनके परस्त एक विधायक जो कि शाहजहांपुर सिलहर सीट से विधायक है, उन्होंने भी इनके साथ इस्तीफा देने की घोषणा की। आपको लगातार बता दें कि इसके अलावा कई और विधायकों के भी इस्तीफा देने की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे, बसपा से जब वो बीजेपी में आए तो बीजेपी की तरफ से उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 10 से 12 विधायक जो थे वो बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक पार्टी को इस्तीफा सौंप दिया है। तो ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एक तस्वीर काफी चर्चा में आ चुकी है। उस तस्वीर को दिखाते हुए कहा जा रहा है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के अगर बीजेपी को छोड़ के चले जाने से बीजेपी को एक बड़ा डेंट लगेगा, एक बड़ा झटका लगेगा। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनका अच्छा होल्ड है, अच्छी पकड़ है। कुशीनगर से लेकर पडरौना जो बेल्ट है पूरी, वहां पर मौर्य वोट बैंक जो है इनकी स्ट्रांग होल्ड में आता है। इसके साथ ही साथ गाजीपुर बेल्ट पर भी इनकी मजबूत पकड़ है। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अब जब बीजेपी छोड़कर किसी और पार्टी में जा रहे हैं तो ऐसे में बीजेपी को बड़ा झटका, और अगर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेते हैं तो समाजवादी पार्टी को इसका लाभ हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता, सियासत में अपनी संपूर्ण रूप से पूरी दखल रखते हैं और उत्तर प्रदेश में एक बड़े वोट बैंक के खुद स्वामी भी हैं।